उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से उनकी लोकप्रियता देखने को मिली है। दरअसल बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे योगी। योगी की 4 राज्यों में 70 सभाएं। ब्रांड योगी आदित्यनाथ को 4 राज्यों के चुनावों में नया आयाम दिया। भगवा वस्त्रधारी सन्यासी और फायर ब्रांड नेता की अपनी परंपरागत पहचान के साथ यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी भाजपा के लिए विश्वसनीय राजनीतिक ब्रांड बन गए हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उन्होंने पार्टी के लिए न सिर्फ धुआंधार सभाएं की बल्कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ ही अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगाने से नहीं हिचके। यही वजह है कि इन राज्यों का चुनाव परिणाम भाजपा के साथ ही ब्रांड योगी का भी परीक्षा माना जा रहा है। चुनावी तपिश के साथ बढ़ती गई लोकप्रियता, इन राज्यों में चुनाव की रणभेरी बजने के समय योगी आदित्यनाथ का नाम भी भाजपा के ढेर सारे स्टार प्रचारकों में से एक था। लेकिन जैसे जैसे चुनावी तपिश बढ़ती गई, योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता के मामले में आगे बढ़ते गए। हालत ये रही कि मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में उनकी सभाएं कराने की जबरदस्त मांग की जाने लगी। इस तरह बहुत कम समय में योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में 74 चुनावी सभाएं करनी पड़ी। उन्होंने सबसे ज्यादा 26 चुनावी सभाएं राजस्थान में की। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में 23, मध्य प्रदेश में 17 और तेलंगाना में 8 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कई जगह उन्हें प्रधानमंत्री की व्यस्तता की भी भरपाई करनी पड़ी। इन चुनावी सभाओं में अपने प्रति जनता का भरोसा देखकर वे लोगों को भरोसा दिलाने से खुद को नहीं रोक पाए कि राज्य में बनने वाली भाजपा सरकार घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करके दिखाएगी। भगवा वस्त्रधारी और फायर ब्रांड नेता की अपनी छवि के आगे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए एक बड़े राजनीतिक ब्रांड के रूप पर सामने आए हैं। जिस तरीके से देश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हुई और जिस तरीके से हर राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी मांग देखने को सामने मिली, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के लिए एक बड़े ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सभी जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी मांग रही और इसी का असर रहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन राज्यों पर चुनावी दौरे पर गए तो जनसभाओं में एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी राज्यों में लगभग 74 जनसभाएं की और सबसे बड़ी चीज इन सभी में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरों के साथ अपनी चेहरे का भी दांव खेला। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के बीच में विकास का संदेश दिया और पूरी तरीके से यह साफ किया कि बीजेपी ही है जो विकास के काम को आगे बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब बीजेपी को एक नए राजनीतिक ब्रांड मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में, जो पूरी तरीके से जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उन 5 राज्यों में एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। कारगर दिखी भाजपा की रणनीति। दरअसल इन राज्यों के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को आगे करने के पीछे भाजपा की खास रणनीति थी। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद भी हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम रहने की योगी आदित्यनाथ की शैली देश के दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बनी रही। उनके हिंदुत्व के एजेंडे से भाजपा को चुनाव में ध्रुवीकरण का भी लाभ मिला। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सख्त प्रशासक की छवि और हिंदू पर्वों, त्योहारों व तीर्थों को खास पहचान देने की उनकी कोशिश उन्हें अन्य राजनेताओं की कतार से थोड़ा अलग खड़ा करने लगी है। उनके हिंदुत्व के एजेंडे से भाजपा को चुनावों में ध्रुवीकरण का भी लाभ मिला। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सख्त प्रशासक की छवि और हिंदू पर्वों, त्योहारों व तीर्थों को खास पहचान देने की उनकी कोशिश उन्हें अन्य राजनेताओं की कतार से थोड़ा अलग खड़ा करने लगी है। उनकी इस छवि के सहारे चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने की भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों की योजना सफल होती भी दिखी। इन सभाओं में योगी आदित्यनाथ के भाषण भी खूब चर्चा में रहे। उनके भाषणों के विषय राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ने वाले रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्विटर पर बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे नेताओं की सूची अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ बहुत तेजी से लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। ट्विटर ने सबसे ज्यादा सर्च किए गए और देखे गए नेताओं को लेकर अपने आंकड़े जारी किए हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ 4th नंबर पर हैं। सीएम योगी से पहले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं।
अगर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के लिए एक बड़े ब्रांड की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से जो विधानसभा चुनावों में एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सामने आए हैं, उसके बाद अगर ट्विटर की भी बात की जाए तो एक बड़े लोकप्रिय चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ट्विटर ट्रेंड्स पर लीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर ट्रेंड्स में टॉप फोर में ऐसे हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद चौथे पायदान पर हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको भी बीजेपी पूरी तरीके से हर चुनावी सभा में भुनाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी का घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।